आगर मालवा में विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी विपिन वानखेड़े ने अपनी पत्नी के साथ मतदान किया है। एनडीटीवी से बातचीत के दौरान वानखेड़े ने स्वर्णिम प्रदेश के निर्माण की उम्मीद जताई। और आपको यह भी बता दें कि 11 बजे तक आगर मालवा में करीब करीब 32.39% मतदान हो चुका है। सुनिए जरा, विपिन वानखेड़े जो है अपनी पत्नी के साथ में वोट करके निकल चुके हैं। और मैं बात कर सर, किस तरह है दिन की शुरुआत? आज दिन की शुरुआत सबसे पहले बाबा बैजनाथ के दर्शन करके दिन की शुरुआत हुई है, और निश्चित तौर पर आगर की जनता भी हमारे साथ है, मध्य प्रदेश की जनता भी कांग्रेस के साथ है, और सुनहरे कल की शुरुआत होने जा रही है। आने वाला कल स्वर्णिम कल है और मुख्यमंत्री हमारे कमलनाथ जी होंगे, और आगर में हम लोग भारी बहुमत से फिर से विजय हासिल करेंगे। अभी जी, आप किस तरह से महसूस कर रही है आज भैया के साथ में मतदान करने के बाद? आप दिन की शुरुआत आज पूरा दिन साथ रहने वाली है, अपना कैंपेन खुद अलग चलाएगी? मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ, मेरा अलग कैंपेन चलेगा। तो अलग अलग मोर्चे पे, ये अलग अलग मोर्चे पे अपने जो है आज का दिन ये संभालेंगे पति और पत्नी। जो आज देख रहे थे कि विपिन वानखेड़े जो विधायक है और यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी अपना वोट डाल के निकले, और उन्हें उम्मीद जताई है कि जनता उनके पक्ष में मतदान करेगी।